ज्ञान चरण में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करें। ये जो टॉपिक है ये है दंगा भड़काना या धार्मिक भावनाओं को आग पहुंचाना या नफरत फैलाना, धार्मिक पूजा या धार्मिक कर्मों में घृणा की भावना रखना, भारत की सेना की अवहेलना करना, धर्म मूल वंश जन्म स्थान निवास स्थान भाषा जाति पर गलत शब्द का इस्तेमाल करना, अगर ये जो भी करता है उसको पनिशमेंट मिलता है। वो कैसे पनिशमेंट मिलता है, वो कौन से लॉ में कौन सी धारा में इसके बारे में दिया गया है, हम इस वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे, क्योंकि पब्लिक मिसचीफ एक बहुत ही बड़ा अपराध माना गया। इससे पहले मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप मेरे विधि ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं लॉ से जुड़े अगर किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो पब्लिक मिसचीफ एक तरीके का बहुत बड़ा ऑफेंस माना जाता है। ये इसमें बहुत सारे जुर्माने और दंड के बारे में बताया गया है, हम इसी को इस बारे में जानेंगे। तो हमारे आईपीसी के सेक्शन 505 में पब्लिक मिसचीफ के बारे में बताया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति पब्लिक मिसचीफ से जुड़ा हुआ अगर कोई भी ऑफेंस करता है तो उसको 505 के तहत उसको दोषी माना जाएगा। इसमें देखा जाए तो तीन उपधारा दिया गया, यानी सबसेक्शन 3 है इसमें। हम एक एक सबसेक्शन के मतलब से क्या लिखा गया है, क्या बताया गया है, हम उसी के बारे में जानेंगे। तो पहला जो सबसेक्शन 1 जो कहता है वो है लोकदृष्टिकारक वक्तव्य के बारे में, यानी जब कोई किसी कथन अफवाह यानी रूमर या रिपोर्ट को पब्लिश या सर्कुलेट करता है, इस साज से करता है कि ताकि आर्मी नेवी एयरफोर्स के ऑफिसर सैनिक नाविक या वायु सैनिक विद्रोह करे या वह अपने उस नाते अपने कर्तव्य की अवहेलना करे या उसके पालन में असफल रहे, अथवा इस आज से कि जिससे यह स्वभाव हो कि लोक के किसी भाग को ऐसा भय या संत्रास कारित हो जिससे कोई व्यक्ति राज के विरुद्ध या लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध करने के लिए उत्प्रेरित हो, अथवा इस आशय की जिससे यह स्वभाव हो कि उससे व्यक्तियों का कोई भी वर्ग या समुदाय किसी दूसरे वर्ग या समुदाय के विरुद्ध अपराध करने के लिए उद्दीपित यानी इनकांडिया सेंट किया जाए, वह करवास से जो 3 वर्ष तक का या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जा सके। जो 505 सबसेक्शन 1 के तहत जो दंड दिया गया है वो 3 वर्ष तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। अब इसके बाद आता है सबसेक्शन 2 यानी उपधारा 2 में क्या दिया गया है, हम इसके बारे में जानते। तो इसमें दिया गया है कि किसी वर्ग में शत्रुता की घृणा या बैर यानी इल विल पैदा करना, जो कोई किसी कथन अफवाह यानी रूमर या रिपोर्ट को पब्लिश या सर्कुलेट करता है इस आशय की जिससे यह स्वभाव हो कि विभिन्न धार्मिक मूल वंशीय भाषाई या प्रादेशिक समूह या जातियों या समुदायों के बीच शत्रुता घृणा या वैर की भावनाएं, धर्म मूल वंश जन्म स्थान निवास स्थान भाषा जाति या समुदाय के आधार पर या अन आधार पर पैदा हो या करेगा, उसे करवास से जो 3 वर्ष तक का होगा या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। यानी जो सबसेक्शन 1 में जो दंड दिया गया है वो सेम सबसेक्शन 2 में वही दंड दिया जाएगा। अब इसके बाद आता है सबसेक्शन 3 यानी उपधारा 3, ये है पूजा के आधार पर यानी पूजा के स्थान पर जो उपधारा 2 के अधीन अपराध माना गया है, जो कोई पूजा के स्थान पर या किसी जमाव में जो धार्मिक कर्म करने में लगा हुआ हो वहां पर लड़ाई झगड़ा करेगा वह कारावास से जो 5 वर्ष तक का होगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। यानी सबसेक्शन 3 में जो कारावास का जो अवधि है उसको 5 वर्ष कर दिया गया है, यानी किसी भी पूजा के स्थान पे किसी भी धार्मिक स्थान पे अगर किसी तरीके से वहां पे लड़ाई करना झगड़ा करना या कोई ऐसा ऑफेंस करना जिससे वो धार्मिक भावनाओं में आहत पहुंचे तो वो सबसेक्शन 3 के तहत 5 साल के लिए कारावास और जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाए। तो ये आपको मैं बता दूं कि सेक्शन 505 जो आईपीसी का सेक्शन है बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है। इसमें किसी भी व्यक्ति को अगर आप गलत तरीके से अगर कुछ उसके धर्म या मूल वंश या जन्म स्थान या निवास स्थान या भाषा या जाति पे अगर कोई भी गलत इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको जेल तक पहुंचा सकता है। तो इसलिए ये सब को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और साथ में मैं बता दूं कि अगर आप ये सब चीजें अगर सोशल मीडिया पे भी करते हैं तो वहां पे भी ये सेक्शन 505 के तहत आप दोषी माने जाएंगे, क्योंकि ये सेक्शन में बताया गया है कि प्रकाशित करना यानी आप अगर सोशल मीडिया पे उस चीज को प्रकाशित करते हैं
तो भी आपको ये सारी करवास और जुर्माने से दोषी माना जाएगा। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए, और साथ में मैं बता दूं कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और साथ में शेयर कीजिए। आपको मेरे इस वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।